वाला है मेडिकल कैंप जो श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन पठानकोट पंजाब की तरफ से होने वाला है। कौन सी क्लास में? So guys, कैसे आप लोग? अभी टाइम हो रहा है, काफी जल्दी उठ चुका हूँ आज। मैं आज सुबह ही 6:30 बजे उठ के मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, आप देख रहे होंगे। और आप सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो आज स्पेशल उठने का भी एक रीजन है। आज हम जा रहे हैं एक मेडिकल कैंप लगने वाला है कॉलेज द्वारा। हाँ, हमारे कॉलेज की एक फाउंडेशन भी है, श्री साई फाउंडेशन। एंड अभी मेरे को पूरा नाम नहीं पता उसका, बट जल्दी बताऊंगा। और वहाँ आज हमें हमारे CMD सर लेके जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच CMD सर, आप हमें वहाँ पे लेके जा रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम फार्मेसी स्टूडेंट हैं एंड हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो चलते हैं वहाँ पे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और हमें भी, और आपको देखने को मिलेगी एक हिमाचल की एक अच्छी सी जगह। और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं आज के दिन में, बट बने रहें ब्लॉग में। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर नए हैं तो। चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं। सो फाइनली हम रूम से निकल चुके हैं और मेरे साथ है आर्यन। आज मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ आर्यन जा रहा है और CMD सर जाएंगे। कट कर देना प्लीज। सो दोस्तों अभी हमें जाना है मेन गेट में, और हॉस्टल से मेन गेट का रास्ता सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, तो चलो टाइम लैप्स में देख लो फटाफट से। दोस्तों हम जा रहे हैं बम्बियाल की तरफ आज, और आप एरिया देख सकते हैं, बहुत ही बैकवर्ड टाइप का एरिया है। और यहाँ पे हम करेंगे एक मेडिकल कैंप जो श्री साई फाउंडेशन के द्वारा होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे कॉलेज द्वारा, हमारी साई बाबा जी की फाउंडेशन द्वारा। तो अभी चलते हैं लोकेशन पर और वहीं जाके आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं, आप जैसे कि लोकेशन देख सकते हैं, बम्बियाल में, और यहाँ पे होने वाला है मेडिकल कैंप जो श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन पठानकोट पंजाब की तरफ से होने वाला है। 4th फ्री मेडिकल कैंप है, इंडो पाक का बॉर्डर यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं हम कितना अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। और आज आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे मेडिकल कैंप जो खोजीचक हाई सेकेंडरी स्कूल में होने वाला है, सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे कैसे यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। बेसिकली अभी मेडिकल कैंप शुरू हो चुका है, तैयारियाँ हो रही हैं बेसिकली उसकी सारी। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं तैयारियाँ वगैरह उसकी, तो चलो आ जाओ। सो बेसिकली दोस्तों ये स्कूल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल कैंप के पोस्टर वगैरह लग चुके हैं। खोज की चक में होने वाला है यहाँ पे, और 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे इंडो पाक बॉर्डर है, तो हो सका तो वहाँ पे भी लेके जाएंगे आपको। वो लोकेशन भी अगर कवर कर पाए हम, अगर इतना टाइम हुआ हमारे पास तो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तैयारियाँ क्या हो रही हैं यहाँ पे, और 4th फ्री मेडिकल कैंप होने वाला है श्री सत्य साई सेवा पठानकोट पंजाब की ओर से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंट आ रहे हैं बारी बारी से BP और शुगर चेक करवा के, डॉक्टर्स अंदर बैठे हैं और उनको चेकअप करवा रहे हैं। मेडिकल कैंप स्टार्ट हो चुका है। Yeah.
कौन सी क्लास में? ये ये ये। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? का? है? का? आप कौन सी क्लास में हो? तो बेसिकली दोस्तों हमारा कैंप हो चुका था ख़त्म और सब शूट करके हम वापस जा रहे थे। सब कुछ सेवा बहुत मज़ा आया आज, सेवा करने का मौका मिला सबसे बड़ी बात थी। और हमारे साथ आज सर हैं हमारे, तो बात करते हैं उनसे ये संस्था कब बनी थी और कब कैसे कैसे पूरा जानते हैं, क्योंकि मेरे को भी नॉलेज नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो अभी नॉलेज लेते हैं सर से, चलो। सर मैं रमन, श्री साई इंस्टीट्यूट बदानी से आज मुझे मौका मिला यहाँ पे सेवा करने का। पहले भी मैं एक टाइम आ चुका हूँ। ये हमारे कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं श्री साई फार्मेसी कॉलेज के। और बड़ा अच्छा यहाँ पे जो सेवा करने का मौका मिला, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इंजीनियर एस के पुंज, उनकी जो सेवा है यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा है। पहले भी उन्होंने काफ़ी सेवा जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में और आई चेकअप कैंप जो हमारे कॉलेज में ही वहाँ पे लगाए जाते हैं, और कई जो गरीब जनता है, कई गरीब लोग हैं उनकी आइस के जो लेंस भी डलवाए जाते हैं। सर हमारे भैया भी थे। भैया आज कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया लगा। और अच्छा, आपने दवाई किस चीज़ के लिए? बताओ ना। ये घुटनों के दर्द के लिए ली थी। अच्छा, तो ये आपको फ्री मिली होगी, है ना? हाँ, फ्री मिली। बिल्कुल, यहाँ पे आज काफ़ी अच्छा रहा। और ऐसे आप पहले भी आते रहे हैं या फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था, आगे भी चलो भगवान की दया से अगर बार बार मौका मिला तो सेवा करने का हम करेंगे। ठीक है भैया, बार बार। ठीक है, थैंक यू भैया। मैं आर्मी यशपाल सरपंच खोज की जग। मैं अपने वालों पिंड वासियों वालों सत्य साई सेवा संस्था का धन्यवाद करता हाँ कि ये साढ़े चौथा कैंप साढ़े पिंड लगाया गया। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो बोलता हूँ अगर आपको मौका मिले ऐसी संस्था के साथ जुड़ने का तो काफ़ी जुड़ जाएं। मेरे को मिला मेरे सीएमडी सर के द्वारा। थैंक यू सो मच सीएमडी सर, आपने हम दोनों को ये मौका दिया, मेरे को और आर्यन को। और काफ़ी अच्छा रहा, एक दिन काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया और मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी मज़ा भी आया। तो चलते हैं कॉलेज की और हॉस्टल जाके एंड करते हैं इस ब्लॉग को, तो चलते हैं।